सो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे एनीबॉडी कैन मिक्स, जिसमें कि मैं आप लोग का बताने वाला हूँ कि मैनुअल ट्यूनिंग आप कैसे कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, बेसुरे को सुर में कैसे ला सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि चलो अब बना ही दिया जाए। मेलोडाइन पे हम कर सकते हैं इसे ट्यून, एंड न्यूटन पे हम लोग ट्यून कर सकते हैं। जैसे कि बता सकता हूँ मैं आप लोग को कि न्यूटन जो होता है एफएल स्टूडियो का स्टॉक प्लगइन होता है। मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखना, ये आप देखो न्यूटन। ओके, ये रहा, ये है न्यूटन, ये एफएल स्टूडियो का स्टॉक प्लगइन है। इस पे भी बता दूंगा ये, लेकिन कुछ उतना खास नहीं है। एंड मैं अगर प्रोफेशनली मिक्स करने में जाओ तो मैं प्रेफर करूंगा कि सभी लोग मेलोडाइन कर लो डाउनलोड, क्योंकि मेलोडाइन इज़ द बेस्ट, इवन इंडस्ट्रीज में भी वही यूज़ हो रहा है। तो काफ़ी दिनों से मैं एक प्रोजेक्ट पे था, ये एक रैप सॉन्ग है, ठीक है, जिसमें रैपर भाटिया ने किया है रैप और गाया भी है उन्होंने। तो उनके जो गाने वाले पार्ट है ना, नॉट द रैप पार्ट, मेलोडी पार्ट है जो, उसे हमें आज ट्यून करना है। आज हम सब मिलकर उसे ट्यून करेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत वास्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, हम लोग इसे धीरे धीरे समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ओके, इजी भी उतना ही है और डिफिकल्ट भी उतना ही है, डिपेंड है कि आप वीडियो स्किप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। स्किप करोगे कुछ नहीं समझ पाओगे, इसकी गारंटी देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा समय दे दो और ध्यान रखो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, पहले एक बार सुन लेते हैं इसे। मैं डूब जाऊंगा लाश खुद की आरजू, मेरी हवाओं में भी एक कश्ती सी गड़ी, यादों की तुम लेके क्यों गए। मैं डूब जाऊंगा लाश खुद की आरजू, मेरी हवाओं में भी एक कश्ती सी गड़ी, यादों की तुम लेके क्यों गए। अब इस वोकल्स को हम लोग करने वाले हैं ट्यून। और एक बात और, जो भी इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले कर लो सब्सक्राइब। देखो, सब्सक्राइब करोगे तभी तो कुछ बताऊंगा अच्छा, वरना मैं भी क्या करूंगा, बाकियों की तरह निपटाने लगूंगा, है ना, मैं भी क्लिकबेट करा सकता हूँ। चलो, ज्ञान की चीज़ देंगे, आई एम सॉरी, ज्ञान का चीज़ दूंगा, थोड़ा तो टंग स्लिप हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे करना है। सबसे पहले मेलोडाइन डाउनलोड करो, मेलोडाइन ढूंढ के लाओ, जो करना है करो, डेमो करना है डेमो करो, डाउनलोड करना है डाउनलोड करो, फ्री डाउनलोड में जैसे भी चलाना चलाओ, बस मेलोडाइन होना चाहिए अगर प्रोफेशनल आवाज़ चाहिए तो, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि सुर में प्रॉपर आ नहीं पाता है। हालांकि न्यूटन से भी आ जाएगा, जो इसका खुद का स्टॉक प्लगइन एफएल का, बट मेलोडाइन इज द बेस्ट। चलिए अब इसे न्यूटन को हटाते हैं। मैंने पहले से फ्रूटी लिमिटर डाल रखा है, बिकॉज मैं थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा के रखना चाहता हूँ, ठीक है, इसका वोकल्स का। इसके बिना बहुत धीरे साउंड कर रहा था, है ना। चलिए लिमिटर ऑन कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पुट करते हैं मेलोडाइन, मेलोडाइन खुल जा खुल जा, कहाँ चला गया। अच्छा, यहाँ पे मेलोडाइन आप लोग के सामने अब हाजिर है। अब चलिए हम लोग इसे बनाना शुरू करते हैं, खूबसूरत तरीके से सुर में लाएंगे इस रैपर को। ये रैपर बहुत अच्छा रैपर है, काफ़ी शानदार रैप किया है, बहुत जल्द ये सॉन्ग रिलीज होने वाला है मेरे कुरफात रिकॉर्ड वाले चैनल पे। चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले समझ लीजिए ये है मेलोडाइन का इंटरफेस, ठीक है। अभी जो है मैंने क्या किया, इसे यहाँ पे मैंने कर दिया रूट। किसको रूट कर रखा है मैंने, इस वोकल्स को। आई होप रूट करने तो सबको आता होगा, डबल क्लिक, 10 नंबर चैनल पे मैंने इसे ट्रैक पे डाल रखा है ना। और फिर मैंने एक लिमिटर ऐड कर दिया, प्लस में मेलोडाइन ही यहीं ऐड कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप, ट्रांसफर पे क्लिक कीजिएगा और स्पेस पे या प्ले पे क्लिक कर दीजिएगा, स्पेस दाब दीजिएगा, ओके। इससे क्या होगा, वहाँ पे वो रिकॉर्ड कर लेगा उसको, देखिए। उनमें मैं डूब जाऊं लाश खुद की आरजू, मेरी हवाओं में भी एक कश्ती सी खड़ी, यादों की तुम लेके क्यों गए। उनमें मैं डूब जाऊं लाश खुद की आरजू, मेरी हवाओं में भी एक कश्ती सी खड़ी, यादों की तुम लेके क्यों गए। चलो बहुत अच्छा ऐसे, हालांकि इसमें ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी मतलब रैप भी अच्छा करता है, गा भी लेता है अच्छा, है ना। चलिए हम लोग म्यूज़िक को भी ऑन कर लेते हैं, अब सुनते हैं एक बार पहले। मैं डूब जाऊंगा लाश खुद की आरजू, मेरी हवाओं में भी एक कश्ती सी खड़ी, यादों की तुम लेके क्यों गए। मैं डूब जाऊंगा लाश खुद की आरजू, मेरी हवाओं में भी एक कश्ती सी खड़ी, यादों की तुम लेके क्यों गए। सबसे पहला चीज आप यहाँ पे ये समझिए, ट्रांसफर पे तो आपने ये कर लिया रिकॉर्ड यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद क्या देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से स्केल में इसने गाया है, ये बी माइनर है, ये खुद डिटेक्ट कर लेता है ना। प्लस में यहाँ पे देखिए टेम्पो भी डिटेक्ट कर चुका है इसने, राइट। चलिए अब हम लोग बढ़ते आगे, क्या करना है सबसे पहला सुनिए पहले ध्यान से, कहाँ पे क्या नीड है। इसको सबसे पहले सबसे आसान तरीका आज बताने वाला हूँ, डिफिकल्ट नहीं बताऊंगा,
नहीं तो पता चलेगा कि ना आप यहाँ के रहेंगे ना आप वहाँ के रहेंगे, दोनों में से कुछ नहीं सीख पाएंगे। इजी तरीका बताता हूँ कि बेसिक ट्यूनिंग आप कैसे कर सकते हो कि कम से कम काम चलाऊ रहे वो वोकल्स। कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले सब को डबल क्लिक, ये आप देख रहे हो, ये एकदम नोट पे ला देगा, परफेक्ट नोट पे ला देगा। बट हाँ, अगर पूरी तरीके से सबको अगर आप कर दीजिएगा इसी तरीके से तो क्या होगा, वो रोबोटिक भी लग सकता है ना, थोड़ा रोबोटिक साउंड करेगा। बट डिपेंड्स डिपेंड्स इट डिपेंड्स कि कैसा आपको चाहिए, है ना। चलिए पहले सुन लेते हैं। चलिए अभी फिलहाल मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ सब पे, ताकि सारे का नोट प्रॉपर हिट कर जाए। ये 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 ये, फिर उसके बाद सिर्फ आपका सुनने का काम होगा। पहले आप ये कर लेना, इट डिपेंड्स, सबका अपना तरीका होता है। पहले कुछ लोग करते हैं कि सुनते हैं उसके बाद करते हैं। मेरा क्या है कि पहले मैं सिर्फ नोट पे हिट करवा देता हूँ, उसके बाद जैसा डिमांड रहता है मैं वैसा करता हूँ। ये थोड़ा सा देखिए ऑफ हो रहा है ना, है ना। इसका क्या है ना, हम लोग मॉड्यूलेशन कम करते हैं। लेफ्ट साइड देखिए, इधर पिच ड्रिफ्ट के ऊपर हो गया पिच मॉड्यूलेशन। आप इसे यहाँ से भी कर सकते हो, ये देख सकते हो पिच ड्रिफ्ट टूल, पिच मॉड्यूलेशन टूल, बट मैं प्रेफर करूँगा आप इसे यूज़ करो। चलिए मॉड्यूलेशन थोड़ा सा कम करते हैं इसको, ऑलमोस्ट, हाँ बहुत अच्छा। इसको भी थोड़ा सा एकदम ज़्यादा नहीं करेंगे, बस 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 इस तरीके से, बस है ना, बहुत सही लग रहा है पहले से। ये जाऊं वाला पार्ट है, इसको भी प्रॉपर करते हैं। इसका मॉड्यूलेशन थोड़ा सा हो जाएगा कम कम, है ना, थोड़ा ड्रिफ्ट टूल का भी यूज करते हैं। देखिए हाँ, जब तक छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं सीख पाइएगा। छेड़िए, खराब होगा, कोई बात नहीं, फिर से करेंगे, राइट। डरना नहीं है, बहुत लोग क्या है कि डरते हैं कि बिगड़ जाएगा तो, अरे ऑलरेडी सबका बिगड़ा रहता है पहले से, और कितना बिगड़ेगा, है ना। चलिए थोड़ा और होगा। और एक बात और, ट्यून करते समय ना आपको पता होना चाहिए आपको कैसा टच चाहिए वोकल्स का, है ना। जैसे मेरे को थोड़ा सा चाहिए अभी ट्रैप टाइप का वोकल्स, है ना, ट्रैप टाइप का वोकल्स, पॉप टाइप का वोकल्स ऐसा चाहिए, है ना, जो थोड़ा सा ट्यून टाइप का भी इफेक्ट रहे तो कुछ बुरा ना लगे। चलिए अब इसको भी थोड़ा कम करते हैं, ये भी कम होगा। और एक बात और, कॉपी पेस्ट मत कर दीजिएगा, ये नहीं कि हर नोट में दो तीन नोट में जैसे 50 लगा है, इसमें लग गया है, इसमें लग गया है, 70 लगा है, तो कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। ये नहीं कि हाँ मैंने 50 डाल के रखा है तो आप भी 50 लगा दिए, है ना। जाऊं, ये थोड़ा सा इसका ड्रिफ्टिंग प्रॉब्लम हो रहा है, इसको 100 करते हैं पहले। हाँ ग्रेट, ये ठीक लगा। अब इसको थोड़ा सा मॉड्यूलेशन कम करते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, चलिए ठीक है इतना, इसका भी कम होगा। मॉड्यूलेशन में तो समझ रहे हो आप लोग, वाइब्रेटो। ये और कम होगा। जाऊं आऊं, ये अजीब तरीके का लग रहा है ना थोड़ा, इसको हम लोग थोड़ा सा अपोजिट थोड़ा ड्रॉप देते हैं। ये देखिए सुन, हाँ ये बहुत सही लग रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आरजू मेरी, ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, इस टूल का यूज करता हूँ फिलहाल के लिए। सॉरी मॉड्यूलेशन टूल, आरजू मेरी है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग,
ये थोड़ा सा इस मॉड्यूलेशन अपोजिट हो जाएगा, -4 की तरफ जा रहा है। उनमें मैं डूब जाऊंगा लाश खुद की आरजू मेरी हवाओं में। हाँ बेटर लग रहा है ये थोड़ा, इसका ड्रिफ्टिंग। उनमें मैं डूब जाऊंगा लाश खुद की आरजू मेरी हवाओं में भी एक। चलिए अब इसका मॉड्यूलेशन थोड़ा सा कम होगा। काम काम काम। उनमें मैं डूब जाऊंगा लाश खुद की आरजू मेरी हवाओं में भी एक कश्ती सी घड़ी है ना। ये जैसे ऑलरेडी अच्छा साउंड कर रहा है, तो इस तरीके से इसको भी 50 करेंगे। ये रहा, इसको भी 69 पे ले जाते हैं। सुन लेते हैं, सुनते सुनते करना। उनमें मैं डूब। अब प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा बोरिंग हो रहा है। आई नो थोड़ा पार्ट ये बोरिंग होता है, सीखने वाला पार्ट ज़्यादातर बोरिंग ही होता है ना। उनमें मैं डूब जाऊंगा लाश खुद की आरजू मेरी हवाओं में भी एक कश्ती सी घड़ी। हाँ ये सही है, इसको थोड़ा सा और इसका मॉड्यूलेशन कोशिश कीजिएगा। पहले ज़्यादा कुछ नहीं करने को, ये मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, बहुत आसान सा बता रहा हूँ, ये बच्चे भी कर लेंगे। उनमें मैं डूब जाऊंगा लाश खुद की आरजू मेरी हवाओं में भी एक कश्ती सी घड़ी। इसको भी कीजिए। ये भी होगा कम। उनमें मैं डूब जाऊंगा। ये मैं बिल्कुल जीरो कर दिया हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए वरना इसका नेचुरल जो है ना वो छीना जाए। उनमें मैं डूब जाऊंगा लाश खुद की आरजू मेरी हवाओं में भी एक कश्ती सी घड़ी। याद को कि तुम लेके क्यों गए, है ना। ये सही है। ये बहुत ज्यादा है। उनमें मैं डूब जाऊंगा लाश खुद की आरजू मेरी हवाओं में भी एक कश्ती सी घड़ी। याद को कि तुम लेके क्यों गए। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं इसको, और अब इसके आगे का देखते हैं क्या पार्ट है। उनमें मैं डूब जाऊंगा लाश खुद की आरजू मेरी हवाओं में भी एक कश्ती सी घड़ी। याद को कि तुम लेके क्यों गए। उनमें मैं ये भी होगा, इस पे भी डबल क्लिक, बहुत आसान। डबल क्लिक डबल क्लिक। ये हम लोग बस क्या कर रहे हैं, ऑक्टेव को हम लोग जीरो कर रहे हैं, है ना। आप यहाँ से देख सकते हो, ये इस पार्ट में देखो ये +6 है, आप इसको जीरो करो तब भी बात वही होती है। परफेक्ट हिट करवा रहे हैं हम लोग नोट को, सबसे आसान तरीका यही है। डबल क्लिक 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 डबल क्लिक। बाकी सब कुछ सेम चलेगा, जो आपने मॉड्यूलेशन यहाँ पे देखा था कैसे किया मैंने, उस तरीके से आप लोग करो। पहला प्रैक्टिस में आप इसी को रखो, उसके बाद मैं बताऊंगा आगे क्या करना है, ठीक है। ये तो एकदम बेसिक हो गया कि हाँ चलो आप एक तरीके से क्या बोलते हो उसको, शुरुआत शुरुआत आपने कर दिया कि हाँ मैं अब ट्यून करूँगा। ये जस्ट शुरुआत है आपका, ठीक है। आप इतना करके अपने किसी भी रफ वोकल्स को, अनट्यून वोकल्स को करो, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ काफ़ी हद तक ये ट्यून हुआ है ना। थोड़ा कॉन्फिडेंस पहले आप बिल्डअप करो, पहले टच दो, स्टार्ट करो, उसके बाद धीरे धीरे सीख जाओगे और प्रोफेशनली, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको और अच्छे से बताने वाला हूँ कि प्रोफेशनली कैसे ट्यून किया जाए। ये तो बिल्कुल हो गया आपका बिगनर लेवल, है ना, ये बच्चा बच्चा भी कर देगा। आई होप आप तो बच्चे नहीं होंगे, आप तो कर ही सकते हो, है ना। चलिए एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।